अभी पर्याप्त समय था और इंतजार कर लेते अगले चुनावों में, कहीं 28 में ले आते अगर सरकार बन जाती तो। ये जो निवेश हो रहे हैं, ये जो शिलान्यास इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, वो जा कहाँ रहा है? क्या ये छात्रों को समझ में आ रहा है? उसके बाद परिसीमन होगा, जनगणनाएं होंगी, शायद 2029 के चुनाव में इसका लाभ मिले या ना मिले कोई ठिकाना नहीं है उसका। कोई व्यक्ति अगर एक बार नेता बन गया, सांसद बन गया, तो आप उठा के डाटा देखिए कि उसी के घर में उसका बेटा है, उसका पोता है, उसका भतीजा है, कोई ना कोई वही चला रहा है। आपके गाँव वाला प्राइमरी स्कूल और आपके गाँव वाला सरकारी अस्पताल और आपके गाँव वाला सड़क जिंदगी भर ऐसा रहेगा कि जब आप इतने शक्तिशाली नेता हैं तो आप एक बिल को लाए हैं, उसको लागू कराने में इतनी समस्याएं कहाँ हैं? आखिर में विरोध कौन कर रहा है उसका? जब तक खूब बढ़िया माड़ वाला कुर्ता नहीं पहन लेगा, जब तक फॉर्चूनर से नहीं चलेगा, तब तक वो नेता है या नहीं है। जब आपको 15 साल के लिए पास करना था तो आप अभी नहीं किए होते, आपकी सरकार दूसरी आ जाती, पूर्ण बहुमत सरकार बन जाती, तब आप उसका पास करते। आखिर में वो मोदी जी जिनके कहने पे रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, वो पूर्ण बहुमत की सरकार को लेकर के और एक बिल को पारित नहीं करा पा रहे। जिस चुनाव सरकारों से और विपक्ष की पार्टियों से बहुत कुछ करवाता है और लगातार करवाता है और इतना बढ़िया बढ़िया करवाता है कि सुन के सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है। पुरानी संसद से एक मामला शुरू हुआ और मुझे लगता है कि नई संसद में जाके ख़त्म हो जाएगा। मामला है महिला आरक्षण का, यानी कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा 33%। कवायद बहुत पहले से शुरू हो गई थी लेकिन अभी भी वो कवायद जारी है, चर्चा चल रही है, 24 का चुनाव भी है। मेरे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के तमाम छात्र मौजूद हैं, इनकी राय समझने का प्रयास करेंगे कि ये इस आरक्षण को किस तरह से देख रहे हैं और क्या यह इस बात को समझ पा रहे हैं कि सरकारें इनके लिए कितनी बेहतर हैं, कितनी बढ़िया कर रही हैं। और ये जो तमाम समय समय पर योजनाएँ आ रही हैं, जैसे कि आरक्षण हो गया और तमाम आपको अखबारों के इश्तिहारों में या फिर टीवी चैनलों के इश्तिहारों में आपको मिल जाता है, फलाना इतना हजार करोड़ रुपया, इतना लाख करोड़ रुपया, इतना 100 करोड़ रुपया। ये जो निवेश हो रहे हैं, ये जो शिलान्यास इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, वो जा कहाँ रहा है? क्या ये छात्रों को समझ में आ रहा है? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आप सर आपका? मेरा नाम आदित्य शुक्ला है। पहले आज महिला आरक्षण है भैया, महिलाओं को पहले कर लेने दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? नेहा चौहान। नेहा, क्या करते हैं आप? मैं BA JMC कर रही हूँ यहाँ से। मतलब पत्रकारिता? हाँ। इसके अलावा क्या करती हैं? खाना वाना खाती हैं? ऑब्वियसली बात है, सभी लोग खाना खाते हैं। अब लगा है कि खाना खाती हैं, चलिए। तो मतलब मेरे ताना मारने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप थोड़ा तेज बोलें। क्या नाम बताया आपने? नेहा चौहान। नेहा, ये बताइए कि ये महिला जो आरक्षण बिल आया है किस तरह से देखती हैं? अब आप तो पत्रकार भी हैं, मतलब उसकी पढ़ाई कर रही हैं, तो किस तरह से इस बिल को देख रही हैं? अभी मुझे इस पर कुछ बोलना नहीं है। ऐसे कुछ समझ में आ रहा है आपको कि यह बिल कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, इसके बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अभी मैंने कम्प्लीटली नहीं पढ़ा है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्राची है। प्राची, हाँ। आप अभी मतलब कौन सी? पत्रकारिता की पढ़ाई करती हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय। अच्छा, पत्रकार बनना है? हाँ, मुझे पत्रकार बनना। पता है ना पत्रकारों के साथ क्या क्या हो रहा है? हाँ, पता तो है। बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, चमचा मीडिया, यही सब नाम मिलेंगे, कुछ भी कितना बढ़िया काम कर डालोगी। खैर, महिला आरक्षण को लेकर क्या सोच रही हैं आप? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी इसके बारे में, किसी को मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये जो सरकार ये महिला आरक्षण बिल पास की है, इसमें SC और ST को तो इंक्लूड किया है लेकिन OBC को सीधे आउट किया है। क्यों ये आउट किया है, मैं ये सोचना चाहूँगी। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं इसमें बोलना चाहूँगी, बस यही। अच्छा, और जो ये कह रहे हैं लोग कि जनगणना 2021 में होने वाली थी, हुई नहीं है ये। हाँ, और यह आने वाले अगले साल 24 में चुनाव भी हैं, तो और ये तय भी नहीं है कि 24 तक क्या जनगणना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। नहीं होगी, नहीं होगी, कोई तय भी नहीं है, वही बात है। तो ये सिर्फ मतलब महिलाओं को एक मतलब उनके दिमाग में कुछ डालने के लिए किया गया है कि हाँ, इससे महिलाएं हमारे पक्ष में आ जाएं, वोट दें कि हाँ इनके लिए कुछ हो गया है। बस कहना चाहिए कि इनको हम कहने अब मतलब साधारण सी भाषा में कहीं इनको ललचाया गया है कि बस हमारे मतलब हमारे साइड में हम ही हैं, आपके कर्ता धर्ता हम ही थोड़ा बहुत भला कर पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? नैन्सी यादव। नैन्सी, आप भी पत्रकारिता की छात्रा, मतलब सभी आप चारों लोग पत्रकारिता, तो आपका क्या समझ में आ रहा है, मतलब कि इस महिला आरक्षण के बारे में आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसे ये इन्होंने कहा कि SC और ST को मतलब इंक्लूड किया गया है और OBC को आउट कर दिया गया है, तो मेरे हिसाब से मतलब सभी को आरक्षण देना चाहिए, सभी को वोट देने का अधिकार है तो सभी को आरक्षण मिलने का भी अधिकार है, तो बस यानी कि OBC को भी इंक्लूड करना चाहिए। आपका ये मत है कि SC ST को इंक्लूड नहीं किया गया है? नहीं, SC और ST को किया गया और OBC को हटा दिया गया। OBC को भी शामिल करें।
आपने पढ़ा है इस बिल के बारे में? नहीं सर, नहीं पढ़ा है। अच्छा, बहुत शिकायत है यार पत्रकारिता की, तुम लोग छात्र हो, इस बिल को पढ़ो, जल्दी पढ़ो। क्या नाम हुआ सर आपका? आदित्य शुक्ला। और आप NSUI के महानगर अध्यक्ष? चलिए, आप तो खैर, इस बिल को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये बिल जो आया है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कि बड़ा जल्दी आ गया है। अभी पर्याप्त समय था, और इंतज़ार कर लेते अगले चुनावों में, कहीं 28 में ले आते अगर सरकार बन जाती तो। इतना जल्दी क्यों ले आए? 9.5 सालों से इनकी सरकार है केंद्र में, और अब जाकर के ये बिल लाया जा रहा है, और वो भी ऐसी स्थिति में जब इसको लागू नहीं किया जा सकता। आखिर में वो मोदी जी जिनके कहने पे रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, वो पूर्ण बहुमत की सरकार को लेकर के और एक बिल को पारित नहीं करा पा रहे, जिसके समर्थन में सभी पार्टियां हैं, पूरा देश आज उसके समर्थन में खड़ा है, उसके बावजूद ये ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है कि आप इतने शक्तिशाली हैं, महान नेता हैं, और एक बिल आप नहीं लागू करा पा रहे हैं, जब विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं है उसके खिलाफ। सब कह रहे हैं कराइए, तो आप क्यों नहीं करा पा रहे हैं? क्योंकि आप 29 तक करवा देंगे, क्योंकि आपकी मंशा नहीं है कराने की। 9.5 साल से क्या कर रहे थे? कराना था तो जब सरकार पूर्ण बहुमत की पहली बार बनी तो ही करा दिए होते। जब कोई उसके खिलाफ नहीं है तो आप क्यों नहीं कर रहे? जब पूरा देश कह रहा है हाँ करा दीजिए, तो आप नहीं करा रहे हैं। जब देश खिलाफ होता है, नोटबंदी के खिलाफ देश था, उसको नहीं कुछ पता था, तो आप 3-4 घंटे में लागू हो गई वो पूरी तरह से। तो 3-4 घंटे भी नहीं लगे, अभी तो अचानक से आए, कहे भाई और बहनों हो गया काम। 8 बजे बताया गया ना कि 8 बजे आज मध्य रात्रि 12 बजे से काम में नहीं आएंगे, तो 4 घंटे उसके लिए सिर्फ दिए गए। तो ये ऐसी स्थिति क्यों बन रही है हमारे देश में? तो मोदी जी से हम सभी ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जब आप इतने शक्तिशाली नेता हैं तो आप एक बिल को लाए हैं, उसको लागू कराने में इतनी समस्याएं कहाँ हैं? आखिर में विरोध कौन कर रहा है उसका? जो जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी, वो 2024 तक क्यों नहीं हो पाई है? इस सरकार की मंशा, इसके पीछे क्या है? सरकार सीधे तौर पर हमारे हाथों में झुंझुना देना चाहती है ताकि महिलाएं उससे खुश हो जाएं, लेकिन वो कब लागू होगा ये नहीं पता है। तो लागू होने की तिथि बताइए हमको कि कब लागू होगा, 2024 में क्या महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा? मैं आता हूँ आदित्य, क्या नाम हुआ सर आपका? आकर्ष चतुर्वेदी नाम है मेरा। आकाश चतुर्वेदी। आकर्ष, आकर्ष क्या करते हैं आप? BA MC का छात्र सर। अच्छा, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं। आकर्ष, जो आप गमछा इस वक्त अपने गले में डाले हुए हैं, इसका बहुत महत्व है। यस सर। और आज के दिनों में तो बहुत ज़्यादा है। यस सर। पहले तो इस गमछे के बारे में बताइए, कितना मतलब प्रभावित करता है ये गमछा आपको? विचारधारा यही गमछे वाली है या फिर? नहीं सर, ये मैं बस धूप के नाते मैं इसको लिया हूँ, मेरा कोई समर्थन नहीं है किसी पार्टी को लेके। हाँ। ऐसा मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें, बस धूप के नाते, धूप लगती है, मैं दूर से आता हूँ। इधर सर देख रही हैं, इस समय कई सारे लोग इसको प्रोटेक्शन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, नहीं, सर, लोग सोचते हैं कि ये गमछा वालों से इस समय तो बच के रहा जाए। कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बस धूप के नाते, और कोई दूसरी कोई चीज, कोई भावना नहीं है। अच्छा, खैर, क्या सोच रहे हैं आप इस बिल को लेकर, क्या सोच रहे हैं? सर बिल सर काफ़ी सर ऐसे लागू होती हैं सरकार में, जैसे देखिए 33% सीटें दी जानी चाहिए महिलाओं को, ऐसा बिल आया है, लेकिन सर कब तक होगा इसका कोई किसी भी तरीके से कोई प्रमाण अभी सामने नहीं आया है। किसी भी तरीके से सरकार के ऊपर सर, महिलाओं को लोग खुश, महिलाएं खुश हो रही हैं इससे, खुश होना भी चाहिए उनके हित में। हित की बात हो रही है, हित में बात हो रही है, खुश हो जाए, होना चाहिए, होगा तब देखा जाएगा। लेकिन कब तक ये आती है? हाँ। कब तक ये आएगा, ये कब कैसे किस दिन, ये अभी कोई तय नहीं हुआ है। मुद्दों से क्या भटकेंगे आप लोग? मतलब देखिए, होता क्या है कि जब हम वोटिंग का टाइम आता है, और ये मैं मुद्दा बड़े जोरों शोरों से काफ़ी दिनों से उठा रहा हूँ, जब वोटिंग का टाइम आता है तो हम लोग कहते हैं कि मैं इस विचारधारा का हूँ और मैं फलाने नेता को वोट करूँगा, मैं इस विचारधारा का हूँ, मैं फलाने नेता को वोट करूँगा, मैं फला जाति का हूँ, मैं फला जाति वाले नेता को वोट करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आज तक, मतलब 75 साल के इतिहास में, मुझे लगता है कि ये सब केंद्र में रहा है ज़्यादातर, और उसके बाद से फिर जैसे चुनाव हो जाता है, विधानसभा या फिर लोकसभा, दोनों में सबकी बात कर रहा हूँ, या फिर अरे छोड़िए ना विधानसभा लोकसभा, एक ग्राम पंचायत के चुनाव, ठीक है, तो हम लोग जब वोटिंग का समय रहता है तो ये मुद्दे रहते हैं, और जैसे ही वोट ख़त्म हो जाता है, प्रधान जी बन जाते हैं या फिर विधायक जी, सांसद जी, तो हम कहते हैं कि गऊँ वाला रुड़वा नहीं बना। हाँ। कहते हैं ना, कहते हैं कि सरकारी स्कूल बड़ा मामला खराब है, प्राइवेट में बड़ा फीस लग रहा है, कहते हैं कि हमारे चौराहे वाला जो सरकारी अस्पताल है वो बड़ा गड़बड़ मामले में है, और सांसद जी वाला जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें अपनी इलाज कराने की औकात नहीं है, किडनी उडनी खेत तो सब बिक जाएगा।
तो ये गैप आप लोग कब समझेंगे? क्या आप लोग इसको समझ पा रहे हैं? और यदि समझ पा रहे हैं तो चूंकि आप लोग युवा हैं और इस बात को जब आप अपने घर पे जाके बताएंगे कहेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ेगा, तो इन मुद्दों पर आप लोग वोट क्यों नहीं करते हैं? देखिए, कुछ मुद्दे जो होते हैं वो सिर्फ चुनावी मुद्दे होते हैं, वो चुनाव में उठाए जाते हैं और फिर 5 साल उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, फिर चुनाव आता है, फिर वही मुद्दे लेकर के लोग निकल आते हैं। कौन लेके आता है? ये तो नेता लेकर के आते हैं। नेता देखिए, आदित्य देखिए, आप भी एक पार्टी से चूंकि बिलोंग करते हैं, लेकिन खैर मैं उसको अभी साइड में रख रहा हूँ। आप इस देश के एक नागरिक है, आप ये बताइए, ठीक है, अब एज ए छात्र मुझे आप ये बताइए कि वो मुद्दा क्यों आपका सेट करेंगे? मुद्दा आपका है, वोटिंग राइट आपका है, वोट आप देने जाएंगे, आपके अधिकार क्षेत्र में है, तो वो मुद्दा क्यों तय कर रहे हैं आपका? एक पार्टी जब से केंद्र में आई है, जब से उसकी सत्ता आई है, तो वो व्यापार करना जानती है। व्यापारियों की पार्टी कही जाती है, तो व्यापार वो भावनाओं का व्यापार करती है। जैसे हमारे भावनाओं, अभी महिलाओं के भावनाओं का सम्मान जिस तरीके से किया जा रहा था, तो महिलाओं की भावनाओं का से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बिल आ गया, अब महिलाएं जो थी वो प्रभावित हुई इससे, लेकिन जब उसके तह में जाएंगी, उसकी सच्चाई जानेंगी, तो फिर उनको छला गया इसको लेकर के। तो यही होता है, सरकार में लगातार लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है, उनकी भावनाओं के साथ, क्योंकि हमारे देश के लोग, हम नहीं मानते हैं कि अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मासूम हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है। तो मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग, पढ़े लिखे लोग, अब बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें और समझें कि जैसे यही बिल आया है तो इसी को लेकर के समझें कि अभी तो आ गया और लागू कब होगा, कब इसके फायदे हमको मिलेंगे। तो फायदे अगर आज नहीं मिलेंगे तो वोट क्यों हम इस पर आज कर रहे हैं? क्या नाम हुआ सर आपका? कुमार सुधांशु सिंह। कुमार सुधांशु सिंह, इसमें टाइटल क्या है और नाम क्या है? नाम सुधांशु है, टाइटल सिंह है। और कुमार क्या है? वो पापा के। अच्छा, ठीक है। तो सिंह साहब, ये बताइए, अभी मैंने जो सवाल किया, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज हम वोट कर रहे हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, ठीक है, और तमाम चीज़ों के नाम पे, और कल को हम कहेंगे कि हमारे गाँव वाला सरकारी अस्पताल सही नहीं है, हमारे गाँव वाला प्राइमरी स्कूल सही नहीं है, हमारे घर में गलती से कोई बीमार पड़ गया, किसी प्राइवेट मेदांता में आप इलाज करवा लेंगे क्या? नहीं, मेरा कहना है कि देखिए, हम मानते हैं कि चीज़ें ठीक हैं, वो हम जाति पे जो भी वोट करते हैं लोग करते हैं, नहीं कहना ये मैक्सिमम का यही हाल है। कहना ये है कि देखिए, अब का कल महिला आरक्षण बिल आया, तो आप कहीं का भी रिपोर्टिंग उठा कर देखिए, किसी का भी आप वो भाषण सुन लीजिए, तो उनका कहना है कि महिला आरक्षण बिल आ गया, महिलाओं को अब 33% आरक्षण दी जाएंगी, तो आमतौर पर लोगों के दिमाग में ये आएगा कि अब से आरक्षण हमको 33% मिलने लगेगा, यानी महिलाएं सोचेंगी कि अब से हमको 33% आरक्षण क्या हो गया, मिलने लगा। लेकिन जब उसकी तह में हम जाएंगे तो कहा गया है कि जब तक जनगणनाएं नहीं होंगी, उस जो बिल पास हुआ है उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो जब हम तह में जाएंगे तो सोचेंगे, लेकिन जो किसी का भाषण सुनिए, आप किसी भी नेता को, आप बहुत सारे नेताओं के कल उन्होंने भाषण सुना, तो उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल आ गया, अब महिलाओं को 33% आरक्षण दी जाएंगे। तो जो भी हमारे गांव की हाउस वाइफ्स हैं, गांव की महिलाएं हैं, जो भी, वो सोचेंगी कि चलिए महिला आरक्षण बिल आ गया, आज से हमको 33% क्या होंगी, हमको आरक्षण मिलेगा, तो मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा काम किए, अब उनको हम वोट देंगे। लेकिन जैसे ही अब तह में जाएंगे, उसके थोड़ा सा उसको खोजने का प्रयास करेंगे, तो कहना यह है कि वहाँ पर क्या है कि जब तक जनगणनाएँ नहीं होंगी, परिसीमन नहीं होगा, तब तक इस बिल को कोई पास नहीं कर सकता। यानी जो 2000 अभी पास हुआ है 2023 में, ये बिल 2024 में चुनाव होगा, उसमें इसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद परिसीमन होगा, जनगणनाएं होंगी, शायद 2029 के चुनाव में इसका लाभ मिले या ना मिले, कोई ठिकाना नहीं है उसका। अब क्या हुआ, ये 15 साल के लिए पास तो किया गया है, 6 साल तो आप इधर ही खा गए, तो आपको, जैसे मेरे भाई साहब ने कहा कि इसको बहुत जल्दी पास कर देगा, मेरा भी मानना है कि बहुत जल्दी, जब आपको 15 साल के लिए पास करना था तो आप अभी नहीं किए होते, आपकी सरकार दूसरी आ जाती, पूर्ण बहुमत सरकार बन जाती, तब आप उसका पास करते और 2029 में लागू करते। अब आप अभी पास कर दिए, 2029 में लागू अब होगा कि नहीं होगा ठीक नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि लागू भी होगा, तो 6 साल आपका समय बीत गया, 9 साल बचा, पता ना 9 साल बाद सरकार कौन सी आएगी, फिर आगे कोई बहस करे और बिल बंद कर दे, फिर तो हमारी महिलाएं गई कि नहीं गई। और हमारा मानना है कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, क्यों नहीं देंगे, हमारा चलने का अधिकार है तो उनका भी चलने का अधिकार है। लेकिन सिर्फ आप क्या होता है, जैसे भाई साहब ने कहा कि एक क्या होता है, लॉलीपॉप दिखाना, जैसे आप एक बड़ी सी बिल्डिंग पर बैठ जाइए और वहाँ से एक रोटी कुत्ते को दिखाइए, कुत्ता आकर्षित होगा कि बिल्डिंग पर रोटी मिलेगी, लेकिन बिल्डिंग पर वो चढ़ नहीं पाएगा, उस मालिक की तरफ देखेगा कि हाँ मालिक हमको रोटी देगा रोटी देगा। वैसे ही यहाँ है, एक बार राम मंदिर पर सरकार बन गई, एक बार किसी और विषय पर सरकार बन गई, इस बार कुछ मुद्दा नहीं मिला, तो G20 समिट था। अब G20 समिट बहुत लोगों के समझ में आएगा नहीं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे मासूम है, बहुत से लोग पढ़ते नहीं उसके बारे में, तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो वो तो चलिए अलग बात है। तो सोचे कि क्या करें क्या करें, तो महिला विरक्षण लाएंगे, लागू होगा वो नहीं दिखाएंगे, यहाँ कहेंगे हम महिलाओं के लिए बहुत काम करें, महिला विरक्षण लाएंगे, तो महिलाओं का वोट मिल गया। आप कुछ कह रहे थे जी,
तो ये कह रहे थे भाई साहब कि इसको 24 के बाद ले आते, चुनाव के बाद, तो चुनाव के बाद लाते तो उस पर वोट कैसे मांगते, वोट भी तो उसी के नाम पे लेना है, कुछ भी करना है तो वोट आपको जो है इसी नाम पे लेना है वोट। ये सरकार जो है पूर्ण रूप से क्रेडिट लेने वाली सरकार है। आपको पता होगा पंचायत चुनाव में आरक्षण राजीव गांधी जी ने दिया था, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने तब का आरक्षण दिया हुआ है, तो उसकी बात नहीं हो रही। और ये आरक्षण जो अभी लागू करने का प्रयास कर रहा है, इसको आप तारीफ कर लीजिए कांग्रेस की, सुनिए एक मिनट आप थोड़ी बहुत तारीफ कर लीजिए कांग्रेस की, लेकिन सच्चाई ये है कि गुमराह हम लोग दोनों से हुए हैं। मेरा मानना है गुमराह हम लोग दोनों से हुए हैं, कांग्रेस से भी हुए हैं, भाजपा से भी हुए हैं। कि मैं जब ये बात कही जाएगी कि पहली बार कौन लाया, बहरहाल अभी सरकार जो है क्या नाम है भाजपा की, तो सवाल भाजपा से होगा, लेकिन गुमराह और ठगे लोग दोनों सरकारों से गए हैं। नहीं तो ये जब कहा जा रहा है कि क्रेडिट हम ले रहे हैं, हम ही लाए, हम ही महिलाओं के बारे में सोचते हैं, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि महिलाओं के बारे में सोचने वाले तो इस देश के पहले कांग्रेस के लोग रहे हैं, वो सोचते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। अच्छा, तो इस तरीके की भावनाएं जो है वो गलत हैं और पूर्ण रूप से अभी। और एक और सबसे बड़ा मुद्दा है जो युवाओं का लेकर के, खासकर हम उस पर बात करना चाहते हैं। क्या आप महिलाओं को आरक्षण देते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन युवाओं को आरक्षण कब मिलेगा? मेरा सवाल ये है कि अभी जो औसत आयु है लोकसभा की, हमारे दिल्ली में जो लोकसभा है उसकी 52 वर्ष है, 52 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष का व्यक्ति युवाओं के बारे में कैसे सोचेगा? वो 20 वर्ष, 22 वर्ष के युवा किस परेशानियों से गुजर रहे हैं, क्या उनकी जरूरतें हैं, मूलभूत क्या आवश्यकताएं हैं, उस पर कैसे विचार कर पाएगा? तो युवाओं क्या चाहते हैं आप? तो हम चाहते हैं युवाओं को भी आरक्षण मिले। राजनीति में आज देखेंगे तो ये सबसे बड़ा सवाल है, कोई इस पर बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि नेपोटिज्म राजनीति में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप कोई भी परिवार उठा लीजिए, आप तमाम सवाल करते हैं हर परिवार से, आप कांग्रेस की सरकार से सवाल कर लीजिए इस मुद्दे पे, लेकिन आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर एक बार नेता बन गया, सांसद बन गया, तो आप उठा के डाटा देखिए कि उसी के घर में उसका बेटा है, उसका पोता है, उसका भतीजा है, कोई ना कोई वही चला रहा है। और अधिकतर क्यों 52 वर्ष हमारी, जब न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, तो 26 वर्ष, 27 वर्ष, 28 वर्ष के युवा क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? क्योंकि वो सामान्य परिवार से आते हैं, सामान्य परिवार में इतनी व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। आज सामान्य परिवार के लोग राजनीति में जाने के लिए अपने बच्चों को नहीं अलाउ कर रहे हैं। पैसा चाहिए और ये पैसा इसलिए चाहिए, ये बहस थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन इसको मैं दो लाइनों में इंक्लूड करना चाहूँगा कि अब राजनीति में इन्होंने कहा कि जो सामान्य परिवार के लोग हैं वो नहीं जा पा रहे हैं। उसका मेन रीज़न ये है ना कि जब हम फार्चूनर वाला लंबा लंबा काफिला देखते हैं तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, हमको लगता है कि बस वो नेताजी वही हैं। कोई वैगनार से स्विफ्ट से चलने वाला नेता नहीं बन सकता है, कोई स्प्लेंडर प्लस से चलने वाला जो है विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्यों नहीं लड़ सकता है? क्योंकि हम और आप का मतलब आम जनता प्रभावित तो स्कॉर्पियो वाले काफिले से हो रही है, प्रभावित तो फार्चूनर वाले काफिले से हो रही है, और फार्चूनर खरीदने के लिए कम से कम 50-60 लाख रुपया चाहिए। तो आप इस बात को समझिए कि प्रेरित कौन कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके दोषी तो हम ही हुए ना। देखिए इस देश में समस्याएँ हैं लेकिन उस समस्या का जड़ कौन है और उस जड़ तक पहुंचना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर चर्चा क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, यह वीडियो जब आप जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसके बारे में सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देश में चुनाव महंगे हुए हैं लेकिन महंगा करवाने का जो सबसे बड़ा आरोप है ना वो हम ही लोगों पर लगना चाहिए, क्योंकि हम और आप यह परसेप्शन तैयार करते हैं कि नेता जब तक खूब बढ़िया माड़ वाला कुर्ता नहीं पहन लेगा, जब तक फार्चूनर से नहीं चलेगा, तब तक वो नेता है या नहीं है। और जब आप फार्चूनर वाले को नेता बनाएंगे तो आपको लगता है कि वो इसका क्या नाम है वैगनार और स्प्लेंडर प्लस वालों को मुंह लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा, एक के समय पे लगाएगा। चुनाव आ गया है, तमाम आपसे वादे किए जाएंगे, तमाम नेता फार्चूनर स्कॉर्पियो का काफिला लेके आपके घर में आएंगे, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। और जब तक ये होंगी आप यकीन जानिए आपके गाँव वाला प्राइमरी स्कूल और आपके गाँव वाला सरकारी अस्पताल और आपके गाँव वाला सड़क जिंदगी भर ऐसा रहेगा, लिख के ले लीजिए। बाकी इस महिला आरक्षण पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स खाली है, भर दीजिएगा। जय हिंद।